I'll begin my satsang somehow. Hum Guruji se mile in the millennium, the beginning of the millennium, 2000. I came to know through my mamaji, my eldest mamaji, ki mere ek dost hain, wo NRI hain, aur I'm audible, thank you. So, he's an NRI, and he's come to India. And he's staying at a friend's place. तो इन्होंने अपना पूरा हमको किस्सा बताया. ये हमारे यहाँ आए थे ढूंढने के लिए कि कोई जानते हैं कि एम्पायर स्टेट कहाँ है, और हम एक गुरु जी से मिलना चाहते हैं. वहाँ पे एम्पायर स्टेट वाले कोई गुरु जी हैं. सो आई ओवरहर्ड, बाई चांस हम कानपुर से आए हुए थे, बच्चों की छुट्टियाँ थी. उसमें हमको पता चला कि my mother had already met guruji when he was in gk and gk temple pe mummy jati thi aur un logo ki guftagu suni. guftagu yahi tha ki unke nri dost aaye hue the aur inke ek common friend ke yahan ruke hue the, aur wahan pe niche ek guruji baithe hue the. he was a bald man, pretty fancy looking person. and ये जब NRI नीचे आए सुबह सुबह तैयार होके 9 बजे, ही हैड टू गो फॉर अ अर्जेंट मीटिंग. एंड दिस पर्सन सडनली वॉज कॉल्ड बाय गुरुजी कि ओ तेरा दोस्त आया होया, ओ तो थल्ले आ रहा, उन्हें रोक ले, वो ऑफिस नहीं जाएगा. उन्हें कह दे 5 मिनट रुक जाए, वो बाद चले जाए. तो द फ्रेंड वेंट रनिंग टू द NRI कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप प्लीज़ अभी कहीं नहीं जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है 5-10 मिनट रुक के चले जा, मेरे गुरु आए हुए ने, उनसे ज़रा 2 मिनट मिल ले. सो ही सेड कि नहीं, हम नहीं किसी से मिलते, तू जानता है मैं किसी गुरु शुरू में विश्वास नहीं करता, और ये सब धक्यानुसी बातें हैं. मैनू जाना है अजय, अजय मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं इन्नी दूरों आया, अब्रॉड तो आया, एक मीटिंग करन वास्ते आया, मैं कोई गुरु शुरू के चक्कर पढ़न थोड़ी आया. अब उन्होंने इस तरह से काफ़ी रूड ली उनसे बात की, और ये फिर भी जिद करते रहे, आप कम से कम चल 2 मिनट रुक जा यार, तू बह के पानी पी ले, उसके बाद भाग जाए. दिस मैन वॉज फ्यूरियस, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था. ही सेड ये क्या गुरु शुरू के चक्कर में सुबह सुबह मेरा दिन ख़राब कर रहे हो. वो फटाफट भाग भागे, ही रश्ड आउट, ही स्टार्टेड द कार, एंड विद इन लेस देन 30 सेकेंड्स एक बहुत बड़ा क्रैश की आवाज़ आई, एंड दिस पर्सन मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट. The NRI. After he met with a major accident, ये सब बाहर दौड़े दौड़े गए, और इन्होंने उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनका वीज़ा भी एक्सटेंड करना पड़ा, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, बड़ी चीज़ें उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की, उनकी सारी हड्डियाँ टूट गई सी. अब उनको जहाँ वो 5 मिनट रुकना था, रुक जाते गुरु जी की बात सुन के, उन्होंने सुनी नहीं, वो वहाँ पर चले गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज हुए, और कई महीने उनका काम में भी बड़ा नुकसान हुआ, उनके पैसे, वीज़ा, और इधर इंडिया में रहना, बहुत बहुत काम में हर चीज़ में नुकसान होने लगा. अब धीरे धीरे 6 महीने से 8 महीने लगे, व्हेन ही स्टार्टेड रिकूपिंग, व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड स्लाइटली, तो इन्होंने कहा, अपने दोस्त के यहीं थे, यहीं पर ही वॉज इन इंडिया, सो इन्होंने कहा, सी देख यार, ए मेरे गुरु ने ना तेरा नाम अपने मुँह निकाल लिया, इसलिए तू बच गया, तू ना मेरे नाल चल, एक बारी उन्होंने शुक्राना कर दे, थैंक यू कह दे, मैं तेरे हाथ जोड़ना. सो दिस पर्सन सेड कि सी आई डू नॉट बिलीव इन एनी गुरु, तू फिर मेरे पीछे पल्ले पै गया, मैं पहली बार उदा नाम सुनया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, दूजी बार तू फिर शुरू हो गया, हूँ मेरा की होने वाले है, मैं नहीं जाना. तो इसे देख यार, हमारी दोस्ती की खातिर, बड़े हाथ पैर जोड़े उनके कि मेरी दोस्ती की खातिर, मेरे गुरु मेरी इज्जत की खातिर एक बार शुक्राना कर ले, शुक्राना मैं करूँगा, तू बस चल मेरे साथ गाड़ी में, और वहाँ जाके ना बस चुप करके बैठ जाए, या ठीक है मैं दोस्ती दिखाते जाऊँगा. अब ये दोनों दोस्त गाड़ी में निकले, जब ये गाड़ी में वहाँ पहुँचे तो पूरे रास्ते दोनों दोस्तों के बीच में बहस हो रही थी, और वो हर घड़ी घड़ी हर बात बात में बोले, देख मेरी दर्दें सारी गई नहीं है, मैं 5 मिनट में उतने नहीं रुकांगा इतने,
तू 5 मिनट दे होते, 1 मिनट भी बोलिया, 1 सेकंड भी बोलिया तो मैं नहीं रुकांगा। तो दोस्त ने कहा, ओए यार मैं तेरे हाथ जोड़ना, तेनू जो कहना तू कह, मैं नहीं तेनू फोर्स करांगा, मैं शुक्राना कर रहा मेरे गुरु का, मेरे दोस्त नू बचा लेता, तू माने या ना माने तू चल मेरे नाल, बस मैं शुक्राना करना चाहता। दिस फ्रेंड वेंट इनसाइड विद हिज NRI फ्रेंड, लाइन में खड़े थे, अभी ये शुक्राना के लिए खड़े थे, वो ज़िद्दी था NRI, वो साइड में जाके खड़े हो गए। अभी वो लाइन में खड़े थे, ही कुड नॉट हैव रीच्ड गुरुजी बाय नाउ। सडनली लंबी लाइन थी, वो जब तक धीरे धीरे आते, लोग गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे और प्रणाम करके अपनी सीटों में बैठ रहे थे। दिस पर्सन वेंट ओवर देयर एंड यू वाज स्टिल इन द लाइन व्हेन सडनली गुरुजी स्क्रीम्ड इन हिज थंडरिंग वॉइस ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस एट एम्पायर स्टेट। गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, हो गए 5 मिनट पूरे, हुन क्यों खलोता ही, तू देखो हुन निकल बाहर, गेट आउट, बड़ी कस के गुरुजी चिल्लाए। अब ये बंदे ने देखा, NRI ने रियलाइज कि अरे यहाँ तो कोई मेरा दोस्त उत्थे बैठा है, हम दोनों के अलावा ये कॉन्वर्सेशन कोई सुन ही नहीं सकता था। वी बोथ वर सिटिंग हियर टुगेदर, वी बोथ केम टुगेदर एंड माई फ्रेंड हैज़ नॉट रीच्ड गुरुजी टिल नाउ। सो अगर वो गुरुजी तक पहुँचे ही नहीं हैं और मैं इत्थे खलोता हाँ, तो 5 मिनट वाली गल कि सिर्फ 5 मिनट वास्ते मैं उत्थे जावांगा और 5 मिनट जिवें पूरे हो गए मैं निकल जावांगा। एंड उसी के बीच में गुरुजी लुक्ड एट हिज वॉच एंड गुरुजी सेड, हो गए 5 मिनट पूरे, हुन क्यों खलोता ही, निकल जा तू बाहर। बड़ी जोर से गुरुजी ने उसको डांटा। अब वो ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, ही स्टार्टेड रियलाइजिंग देयर इज समथिंग अनकैनी अबाउट हियर, दिस प्लेस विच इज बियॉन्ड जस्ट योर इमेजिनेशन, कि ही कैनॉट, ही कुडंट हैव, ही जस्ट कैनॉट, देयर इज नो वे अ पर्सन कुड हैव नोन देयर पर्सनल कॉन्वर्सेशन। सो वो जहाँ खड़े थे, ही लुक्ड एट गुरुजी, शर्मिंदा हुए और चुपचाप वहीं पे वहीं के वहीं धरना दे के बैठ गए। अब ये NRI अंकल तो बैठ गए और वहाँ जो उनके दोस्त लाइन में खड़े थे उनके पसीने छूट गए कि गुरुजी ने तो सब पता है, और फिर भी वो लाइन में ही खड़े रहे। और जब उनकी बारी आई, वो गुरुजी के सामने मत्था टेकया, गुरुजी ने इशारा किया होगा, वो जाके बैठ गए। हार्डली अनदर 2-3 मिनट्स हैड पास्ड, गुरुजी सडनली गॉट अप फ्रॉम हिज गद्दी, उसको इशारा किया, चल अंदर आ, तेरा इंटरव्यू लेना मैं, एंड उसको सीधा NRI अंकल को अपने बेडरूम में बुला लिया। अनदर 5 to 10 मिनट्स that person who had entered that bedroom literally opened the door, the door was flung open, he came running out, sar se paon tak pasine pasine se bheege hue the, and he was trembling, and he thought he was whispering but he was not whispering, he was telling his friend, yaar jo galla main apne biwi de naal kade share nahi kiti, मैं अपने आप अपने अंदर कदे वापस अपने आप रिपीट नहीं कीती, वो सब मैनू बताना पे अंदर बह के, और उस इंसान की दजियाँ उड़ गई थी, और वो बुरे हाल में पसीने पसीने वहीं बैठ गए। इसे मान लेता तेरे गुरु नु, और ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्सेप्ट जस्ट सिट डाउन, और ये उनको पैसिफाई और आराम से थप थपाएं कि आप बैठ जाओ बैठ जाओ, तो ए मेरे गुरु जी हैं तू बैठ जा, ही नोज एवरीथिंग। सो दिस पर्सन सैट डाउन, ही हैड अ कप ऑफ टी, जो चाय पेशादा आया, ही हैड लंगर, एंड आफ्टर दैट ही रियलाइज्ड दिस इज अ ट्रू गुरु वेयर ही वॉज इन दिस प्लेस, और उन्होंने मत्था टेका, माफ़ी मांगी और चले गए। अब जो हमारे सगे मामा जी हैं, इनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, सारे कॉलेज फ्रेंड्स थे और कोई स्कूल फ्रेंड्स थे, जहाँ ये सारी गुफ्तगू हुई, उनको वो ढूंढते हुए आए हमारी मम्मी के पास कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सुना है, हमें इन गुरुजी का पता लगाइए, एम्पायर स्टेट, हम बाय चांस कानपुर आए हुए थे, हमारे ये गुफ्तगू जब हमारी सुनी तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया। हमने कहा, मम्मा आप इनसे मिल चुकी हैं? बोली, हाँ वो एक है खुशबू बड़ी लांदाना
जुतियां दे उत्ते ते खुशबू वाले गुरु जी हैं, है मम्मी मुझे मिलना है। और जबकि हम इस किस्म के इंसान हैं जो हम गुरुओं में विश्वास नहीं करते, हम कुछ एक चीज़ बता रहे हैं, अपना पर्सनल शेयर कर रहे हैं, हम बचपन से ही शेरावाली माँ में बहुत विश्वास करते थे। हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स लाइफ में हुए जो हमने बहुत छोटे थे। आई मस्ट हैव बीन इन माई थर्ड स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, वो बड़े स्क्वायर वाली किताब होती है जिसमें ए बी सी डी लिखवाते थे या नंबर वन नंबर टू। तो उस वक्त जैक एंड जिल तो पूरी पढ़ाई होती नहीं थी। आई वॉज नॉट अ स्टूडियस पर्सन एवर इन माई लाइफ, यहाँ तक कि आज तक ये हाल है। हमको सब लोग यही कहते हैं कि भाई जब हम पास हो जाते तो हमारे सारे घर वाले रसगुल्ले बांटते थे सारे मोहल्ले में, इतने खुश हो जाते थे ए पास हो गई है। और जो हमारी एल्डर सिस्टर हैं वो तो भाई क्लास में फर्स्ट आए, वो रोती हुई स्कूल से आए, हाय मेरा एक नंबर कम आया है, मेरे 40% भी पेपर मुझे समझ में आ जाए तो हम तो नाचते हुए हैं, मम्मा पास हो जाएंगे नो टेंशन। और जब हमारा 42% 45% जो भी होता था हम पास हो जाते थे तो हमारे घर वाले खुश होते थे, रसगुल्ले बांटते थे। और बड़ी सिस्टर बोले ले हमारे लिए तो कोई इतने खुश नहीं होते जो ऐसे पास होने बाद खुश होते हैं। आई वॉज द यंगेस्ट इन द हाउस, माई एल्डर ब्रदर वॉज ऑल्सो अ वेरी स्टूडियस एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो वॉज माई एल्डर सिस्टर। अच्छा, ये हमारा बचपना था कि हमको पोएम्स का भी कोई शौक नहीं और जैक एंड जिल भी पूरा ना नहीं रट पा रहे थे। तो सडनली माई फादर है टोल्ड मी कि आप ये पोएम कोई और ये टेस्ट की कोई तैयारी करिए। तो ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी ऑन अ डेस्क एंड आई वॉज सिटिंग एंड आई थिंक आई वेंट इन टू डे ड्रीमिंग और वॉट हैपन्ड आई डू नॉट नो, छत जैसे गायब हो गई और साक्षात माँ शेरावाली माँ खड़ी थी वहाँ और हमें डिवाइन म्यूजिक सुनाई दिया। और आंखें हमारी ऊपर थी, उंगलियां हमारी चल पड़ी और हमने लिखना शुरू किया और 6-7 पन्नों का हमने 2-3 पोएम्स लिख डाली, ऐसी वर्डिंग्स जो एक छोटा बच्चा नहीं लिख सकता। उतने छोटे थे हमें तो समझ नहीं थी, बट माई फादर हु वॉज लुकिंग एट मी बिकॉज आई केप्ट ऑन सेइंग पापा देखिए माँ शेरावाली माँ दर्शन दे रही है। ये एक चीज़ हमारे जहन में एक ऐसा नजराना हमने देखा था बचपन से कि हम माँ शेरावाली माँ के पक्के भक्त हैं तब से। और क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल एक्सपीरियंस, अ विटनेस टू अ डिवाइन एक्सपीरियंस, दिस इज़ मच बियॉन्ड जस्ट अ टॉक विच आई एम डूइंग विद यू ऑल टिल यू डू नॉट एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ। जैसे हमको गुरुजी ने समझाया था, जिंदगी अनुभव ही होती है, जब आप अनुभव करते हो किसी चीज को तो ठप्पा पै जाना। सो आई वॉज आई हैड दिस सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस एज अ लिटिल चाइल्ड एंड आई रिमेंबर लिसनिंग टू दैट डिवाइन म्यूजिक। ये हमारे पास्ट कर्मास थे जो बाद में गुरुजी ने हमें समझाए। तो डिवाइन म्यूजिक वॉज समथिंग लाइक मैं दासी तेरे द्वार आई मेरा कर उद्धार माँ, मेरा कर उद्धार माँ, मैं तेरे दर्शन को प्यासी मेरी प्यास तू बुझा। इस टाइप की ट्यून में बहुत सुंदर गाया जा रहा था, हम यही गुनगुनाते गुनगुनाते बड़े हुए। बाकी वो एक्सपीरियंस हमारी जहन का है, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन गया। बट एज आई ग्रू अप आई फॉरगॉट क्वाइट अ बिट ऑफ इट, आई डू नॉट रिमेंबर ऑल दी पोएम्स। नाउ आफ्टर हियरिंग अबाउट गुरुजी एंड सच सुपरनैचुरल इवेंट्स इस आई वॉज वेरी वेरी कीन टू मीट गुरुजी। मगर उससे पहले कुछ हमारे घर में, हमारी शादी जब बड़ी हुई हम कानपुर आए, हमारी शादी होने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा खूबसूरत इंसिडेंट हुआ कि हम जोत जलाते थे। तो एक बार हमने नाराज़गी में मैया को बोला, माँ मेरी तो तू सुनती नहीं है, हम नहीं जोत जलाएंगे आपकी। तो हमने 2 दिन के बाद जो एक दिन के बाद इतना क्लियरली याद नहीं है, जब दरवाज़ा खोला तो देखा जोत जल रही थी बिना घी के बिना बाती के। तो एक मन में एक स्वाभिमान आ जाता है, एक ईगो आ जाती है, एक ठोस विश्वास पैदा हो जाता है, मेरी माँ है, माता रानी है,
ऐसा होते हुए आप कभी भी किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे। जब मैया हैं, खुद हैं, साक्षात हैं, बचपन में दिए दर्शन, उसके बाद ऐसा हुआ, वाई शुड आई गो टू एनीबडी। बट आफ्टर हियरिंग दिस क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, आई रीच्ड गुरुजी। आई गॉट आफ्टर माई मॉम एंड आई वॉज फेसिंग मैनी पर्सनल प्रॉब्लम्स इन कानपुर। दीज वर फैमिली प्रॉब्लम्स। आई वॉज मैरिड टू एन एल्कोहलिक पर्सन हु आई वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ डोमेस्टिक बीटिंग्स एंड एवरी थिंग एंड आफ्टर हिज एल्कोहलिज्म प्रॉब्लम्स एंड वी बोथ वर हेडिंग फॉर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स विच वॉज ऑल्सो इनिशिएटेड बाई फैमिली मेम्बर्स बिकॉज ही वॉज अ डेड माइंड। वट एवर वॉज प्रोवोक्ड इन टू हिम ही वुड डू। सो आई समहाउ व्हेन आई रीच्ड गुरुजी, द फर्स्ट थिंग माई मदर सेड, अच्छा तू उत्थे जाना चाहती? मैंने कहा हाँ मम्मी, प्लीज टेक मी अलोंग। सो शी टुक मी देयर एंड द फर्स्ट थिंग शी लुक्ड एट गुरुजी एंड शी सेड, गुरुजी ये था ना डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू होने वाले ने, एनु ब्लेस करो। फिर गुरुजी लुक्ड एट मी, कल्याण कितना होया, जो हो रहा सही हो रहा। ही लुक्ड एट मी एंड ही ब्लश्ड। आई सेड व्हाट इज दिस मॉम, ही सेड जो हो रहा सही हो रहा। I'm not satisfied with this answer. I'm not liking it. मुझे ठीक नहीं लग रहा है। And Guruji looked at me, and he just blushed, and he put his hand on his face, and he blushed literally like a baby, like a newborn wife, newly married wife, bride. Now that was a very cute gesture if I look back today in my life, but then at that moment of my life, it was not something that I would really appreciate someone telling me, ho raha hai, sahi ho raha hai. Now, I met Guruji the first time. My mother said, this Kalyan kitta, Guruji said. We both sat down, we had langar prashad, we had chai prashad. I observed, tab koi zyada bheer nahi thi. Jitna bada Empire State ka kamra tha, utne hi shayad zyada kar log the. Apne log langar kha ke jab bahar khade huye hain, to uske baad seedha jitne log andar aaye hain, ऊपर कुछ लोग बैठे थे कमरे में, वो लोग नीचे आए, लंगर खाए और सब लोगों ने आज्ञा ली और चलते बने, जहाँ तक हम लोग भी चले गए। पहली बार उन्होंने कल्याण कितना बोला। सो आई सेड मॉम, आप कहते हो गुरुजी किसी से बात नहीं करते, इन्होंने बात भी की और ये भी कल्याण कितना भी बोला। जिस तेनू कद कर कल्याण कितना बोलिया। मैं कहा मम्मी बोला तो था। तो शी सेड कल्याण कितना मैं सुनिया ते है, अगर गुरुजी किसी नु कह देते हैं तो बड़े बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो तेंदू कब गया मैंने समझ नहीं आया, मैं तो सुनिया नहीं। अब हम एक बार और गए, मैं मम्मा फिर से एक और बार जाना है। सो एक और बार गए तो जैसे मत्था टेका गुरुजी ने, फिर कल्याण कितना बोला। नाउ मम्मा यूज टू लिटरली, यू नो दिस इज ओवर 20 ईयर्स का सत्संग, माई मॉम यूज टू लिटरली बी स्टक टू मी ऑन माई शोल्डर एंड शी वुड हैव अ हेड पोकिंग आउट लाइक दिस कि सुन ले। और ये बात हमें धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि गुरुजी जिससे बात करते हैं उसी को ही आवाज़ सुनाई देती है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एवरीवन वांट्स टू लिसन, दे कैन हियर। एक्चुअली आई हैड माय सत्संग लास्ट नाइट एंड विच गॉट पोस्टपोन टुडे एंड आई वाज टोल्ड कि इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए अपनी। सो एंड माई मोबाइल इज़ नॉट फुली चार्ज, बट आई विल टेल यू द बेस how I began with Guruji. The base was, my mother and I went again. Guruji again said, Kalyan kitta. I said, Mama, sun liya? Hey, mainu ta sunai nahi ditta. Ah, this is not good. Mama, main line mein wapas khade ho rahi hoon. Aap ab please aisa kariye, aap Guruji ke paas khade ho jaiye. I will come through the line. I will bend. When he says, Kalyan kitta, please keep your ears next to his face. Don't be stuck to me. So she said, okay, okay, tu na, ja, phir se line se khadi ho ja. Main phir line se hoti hui aayi, phir matha teka, phir kuch ne kalyan kitta. Ab mummy kehndi, tere te kaan bajde ne, mainu ta sunai nahi ditta. Mamma, itni baar bola, aapko sunai nahi diya na. This was so upsetting. 2 minutes ke baad, we were just having chai prasad. Guruji suddenly got up from the gaddi and he went into his bedroom. And it was like, it took a few seconds or 2 minutes for him to just came back, all changed, the black pant, jazzy shirt, looking very handsome, chokri maar ke cabinet pe baith gaye.
अब सारी संगत जिन्नी भी सी सारी खड़ी हो गई, सब लाइन लगा के गुरु जी नू मत्था टेकन वास्ते और उनसे आज्ञा लेने के लिए लाइन लगा ली। अब हमने कहा मम्मा आप तो गुरु जी हाइट पे आ गए, आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा एट योर एज, आप सीधा उनके पास जाके खड़े हो जाइए, हम लाइन में लग के आते हैं। इस बार जब गुरु जी कल्याण कितना बोले ना, तो पूरा कान आप मेरे मुंह और गुरु जी के मुंह के बीच में रखना। तो शी सेड ओके फाइन, तू जा, मैं सुनना चाहनी हूँ तेनू कल्याण किताब बोलिया कि नहीं बोलिया। अब जैसे मम्मी वॉक टूवर्ड्स गुरु जी एंड आई वॉक टूवर्ड्स द लाइन, गुरु जी बड़ी कस के जोर से इन हिज थंडरिंग वॉइस खूब जोर से चिल्लाए और हंसने लगे। हंस हंस के बोले, ओए कहता दिता इन्नी बार कल्याण किता कल्याण किता कल्याण किता, बारी बार लाइन च लगन की कोई लोड़ नहीं। एंड आई लुक दैट मम्मी आई सेड बिकॉज ऑफ यू गुरु जी टॉकिंग टू मी लाइक दिस, एंड शी लुक दैट मी अच्छा हाँ आ जा आ जा वापस लाइन च ना लगी, गुरुआ नु गुस्सा नहीं किता जाता। एंड आई केम राइट, लिटरली आई टुक अ यू टर्न एंड आई रैन फ्रॉम देयर, एंड गुरु जी लुक दैट मी एंड ही लाफ्ड। Now this was a conversation that was between me and my mom. I had whispered it into her ears and she could hear it. And Guruji was saying so loudly, Kalyan Kitta, and she could not hear it. And this time, Guruji started screaming on top of his voice, Kehta ditta hai nahi baar Kalyan Kitta, Kalyan Kitta, Kalyan Kitta, bari baar line chalan ke lagan di koi lod nahi. Now this was something that I suddenly, because when you're driving back, you suddenly start recalling, see, I never even spoke to Guruji. What Prakash Mama and what my mamas were saying, that's true. Because if I'm talking to my mother, how does Guruji, who's sitting on the cabinet, know that I'm going back to the line? And how does he know that we both have already planned that I'm going to keep standing in the line till she hears Kalyan Kitta Guruji ne kiya? So this was a very funny incident, the first time I met Guruji. I'll continue tonight. Jai Guruji, Hey Guruji, always and ever. Sari Sangat ko hamara pranam.